दिल का दरिया बह ही गया, इसके मोहब्बत दिल कर गया। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं टी से स्टार्ट होने वाले आइडियम्स, ठीक है। टर्न ऑफ वन्स नोज। टर्न ऑफ वन्स नोज का क्या मतलब है? टर्न ऑफ वन्स नोज का मतलब होता है टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट। आपको जैसे कोई काम किया गया लेकिन आपने उससे नाक फेर ली, इसका मतलब क्या है? आपने अवहेलना कर दी, तिरस्कार कर दिया। टर्न कोट का क्या मतलब होता है? वन हु चेंज पॉलिटिकल अफिलिएशन का मतलब होता है जो पार्टियों से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं अफिलिएशन। इसका मतलब हो गया, टर्न कोट का मतलब हो गया दल बदलू नेता। क्या हो गया? दल बदलू नेता मतलब जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का कोट पहन लेता है। इसका मतलब कैसा है बंदा? वो दल बदलू नेता है। टेक अप द कड़जल। टेक अप द कड़जल का क्या मतलब है? डंडा लेना। कड़जल का मतलब होता है मोटा डंडा, ठीक है। इसका मतलब है आप स्वयं को डिफेंड कर रहे हो, इसका मतलब बचाव कर रहे हो। टू सपोर्ट करना और ये डिफेंड करना, बचाव करना। नेक्स्ट देखते हैं टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब है? टर्न द कॉर्नर का क्या है? अब सीधे हम रास्ते से जाते हैं और सामने ऐसे कॉर्नर करके आता है जिसमें हमने अपनी गाड़ी बाइक जो भी है व्हीकल टर्न करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम सिंपल वे चूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कठिनाई से गुजरना। इसका मतलब क्या है? टर्न द कॉर्नर का मतलब यही हो गया कि वो ऐसा कॉर्नर है उससे पास होना, मतलब टू डिफिकल्टी फेस करना, ठीक है। टू पास ए क्रिटिकल स्टेज। टाल टाक क्या मतलब है? टाल टाक का मतलब ये है, टाल टाक मतलब लंबी बात, इसका मतलब यही हो गया है। एक्सरगेट द मेटर्स मतलब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, टाल द टाक का मतलब यही होता है। टूथ एंड नेल्स का क्या मतलब है? देखो टूथ के मिलो दांत और नाखून, नेल्स, ठीक है। अब दांत और नाखून मतलब कब आदमी यूज़ करता है? जब एकदम लड़ता है, बुरी तरीके से हमला करता है, नोचता है, चबाता है, इसका मतलब यही है। उग्र रूप से हमला करना, वॉयलेंटली मतलब वॉयलेंटली का मतलब समझ गए, वायलेंट होना, ठीक है। थ्रो इन टावल का क्या मतलब है? एक मिनट, हाँ, थ्रो इन टावल यहीं से शुरू करना है, आठ में से। थ्रो इन टावल का मतलब है अब मतलब फेंक देना, मतलब तावल की तरीके फेंक देना, इसका मतलब हरा देना, ठीक है। हार देना या हरा जाना। थ्रो इट इन अ टावल मतलब टावल के जैसे उसको फेंक देना, इसका मतलब क्या है? हरा दिया या हार जाना। टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट। अब कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, पिंच, देखो पिंच मीन होता है चुटकी, ठीक है। साल्ट का मतलब हो गया नमक, मतलब चुटकी की जैसे लेना, इसका मतलब क्या है? टेक विद ए पिंच ऑफ साल्ट, इसका मतलब ये हो गया कि आप संदेह के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, टू एक्सेप्ट विद डाउट। टर्न ए हेयर का क्या मतलब है? अब जैसे आप रोड पे जाते हो, ठीक है, लेकिन बालकनी पे कोई खड़ी है जो आपको देख को नहा किया ये एकदम, लेकिन उसने क्या हुआ, टर्न द हेयर किए, इसका मतलब क्या है? आपको प्रतिक्रिया दी, सो एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन देना, उसको बोलते हैं टर्न हेयर, ठीक है। टाल स्टोरी इसका क्या मतलब है? टाल स्टोरी का सेम मतलब है, बढ़ा चढ़ा कर कहानी को बताना। अब इसमें उसमें टाल टाक थी, इसमें स्टोरी है, तो सेम मतलब हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा कर कहानी बताना, ठीक है। टेक द फ्लोर का क्या मतलब है? अब जैसे कहते हैं टेक द फ्लोर, इसका मतलब है मेक ए स्पीच, भाषण देना। टेक द फ्लोर, फ्लोर पे आना, इसका मतलब यही है, भाषण देना। जैसे फ्लोर पे आके डांस करते हैं हम लोग, वैसे सेम मतलब हो गया। टेक लाइंग डाउन, ठीक है। टेक लेइंग डाउन का मतलब हो गया एक्सेप्ट इंसल्ट, अपमान सहना। टेक लेइंग डाउन का मतलब यही होता है, अपमान सहना, एक्सेप्ट इंसल्ट बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट देखते हैं 14, टर्न टू अकाउंट का क्या मतलब है? टर्न टू अकाउंट का मतलब है कि घाटे को लाभ में बदलना, जो आपका अकाउंट है ना उसको चेंज कर दिए। इसका मतलब क्या है कि आपको जो घाटा हो रहा था आपने उसको लाभ में परिवर्तित कर दिया, इसका मतलब यही होता है। टर्न टू एडवांटेज। टेक हर्ट का मतलब क्या है? अब जैसे टेक हर्ट का मतलब है सिर्फ, देखो टेक टू हर्ट भी है नीचे, मैं अभी टेक हर्ट का मतलब होता है बहादुर या निर्भीक, ठीक है। लेकिन जो टेक टू हर्ट हो गया ना उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, दिल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेता है, इसका मतलब होता है दिल पे ले लेना है, बुरा मान जाना, ठीक है। लेकिन टेक हर्ट का मतलब होता है बहादुर या निर्भीक। नेक्स्ट टेक बुल बाय हॉर्न्स का क्या मतलब है? टेक बुल बाय हॉर्न्स का ये मतलब है कि मतलब बुल मीन होता है सांड, ठीक है। हॉर्न्स का मतलब हॉर्न्स, वो गाड़ी वाला हॉर्स नहीं, उसके सींगों से, मतलब उसके सींगों से वो लड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? मुसीबत से डटकर सामना कर रहा है, इसका मतलब यही होता है। टू मीट द डेंजर बोल्डली,
ठीक है, साहस से। थ्रो एंड थ्रो बिल्कुल सिंपल है, एंटायरली पूरी तरह से। टू बैक बोन, बैक बोन का मतलब आप समझते हो पूरी तरह से, इसका मतलब भी होता है, ठीक है। टेक विंड आउट ऑफ इन अदर सेल्स, इसका मतलब क्या है? अब देखो दो बोट्स हैं, उनमें लड़ाई हो गई, ठीक है, एक सेल्स वाली थी एक इंजन वाली थी, लेकिन क्या हुआ, समटाइम्स बोटों में क्या होता है, हवा से चलती हैं बोटें, ठीक है, तो हवा का फुल्ली इफेक्ट रहता है, तो हवा का इफेक्ट पड़ जाता है। अब बोटें लड़ गई दोनों सेल्स की, कंपटीशन था भाई, कंपटीशन करना है, ठीक है, तो दोनों बोटें स्टार्ट की, लेकिन क्या है, एक सेल्स से चलती थी एक मोटर से, तो मोटर तो ज़्यादा स्पीड से चलेगी जाहिर सी बात है अगर हवा नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही हवा चलना स्टार्ट हुई तो उसने अपने सेल्स खोल दिए, जो सेल्स कपड़े लगा के रखते हैं ना उसको बोलते हैं सेल्स भी बोलते हैं, उसने सेल्स खोल दिए, तो नाव एकदम पानी की तरह हवा में बह गई, एकदम बहुत जल्दी कंपटीशन दी गई, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपने परस्पर झगड़े का लाभ उठा लिया, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब होता है घृणा की भावना रखना, ठीक है, प्रॉपर झगड़ा नहीं होता, एंटीसिपेशन मतलब सिर्फ घृणा की भावना रखना। नेक्स्ट होता है थ्रो डाउन द ग्लोव्स एंड गोल्टन्स, ठीक है, क्या लिखा है, गोल्टेट, वही लिखा है गोल्टेंट, ठीक है। टू चेंज, टू चैलेंज, थ्रो डाउन द ग्लव्स, ये ग्लव्स से बना है ग्लू, इसका मतलब यही है चुनौती देना। नेक्स्ट टेक लीफ आउट ऑफ समबडी बुक्स, इसका मतलब है नकल करना, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा है और लीफ मतलब होता है नई पत्तियाँ, ठीक है, आपने क्या हुआ उसमें से कुछ चीज़ें छुपा के रखी हैं बुक में और क्लास के बाहर जाते ही धीरे से निकाल ली, समबडी आउट बुक्स, ठीक है, आउट ऑफ समबडी बुक्स, इसका मतलब क्या है, आप छुपा के नकल करोगे, इसका मतलब ये हो गया नकल करना। टेक पीपल बाई स्टॉम्स, स्टॉम्स का क्या मतलब होता है, स्टॉम्स मीन होता है तूफान, ठीक है, टेक पीपल मतलब लोग एकदम आना, तूफान की तरह आना, इसका मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टली, इसका मतलब ये सरप्राइज कर देना। टाल ऑर्डर, टाल ऑर्डर का क्या मतलब है, टाल ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा चीज़, बड़ा कोई ऑर्डर, इसका मतलब होता है मतलब इतना बड़ा ऑर्डर है, जैसे कोई सीरीज हो गई मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब इतना बड़ा ऑर्डर है, तो मतलब उसको थोड़ा टफ है सॉल्व करना, इसका मतलब है समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कुछ डिफिकल्ट है टाल ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है कठिन। थ्रो स्पैनर, स्पैनर का क्या मतलब है, स्पैनर का ये मतलब है, स्पैनर का मतलब होता है स्पैनर, जो से बाइक वगैरह खोलते हैं उसको स्पैनर बोलते हैं। टू सबोट इज़ ए प्लान, बाधा उत्पन्न करना, ये अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन पहले इसका मतलब समझते हैं, स्पैनर का क्या मतलब है, स्पैनर, अब जैसे वो कोई बंदा है बाइक सुधार रहा है, लेकिन आप आए चलते चलते उसको स्पैनर उठाया और फेंक दिया, इसका मतलब और उधर से भग गए, मतलब उसके प्लान में है ना, जो प्लान वो कर रहा था बंदा खोलने का, उसमें बाधा उत्पन्न कर दिया, इसका मतलब यही हो गया बाधा उत्पन्न करना। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का क्या मतलब है, टेक टू टास्क मतलब दंडित करना, सीधा सा मतलब है, पनिश, पनिश करना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न डीफियर्स, डीफियर्स का मतलब क्या है, टर्न डीफियर, डीप का मतलब होता है बोने से रिलेटेड है, बोने से, लेकिन कान थोड़ी ना बोने होता है, तो मतलब कान छोटा करना या टर्न मतलब घुमा फिरा लेना, इतना मतलब है ये कि अनसुना कर देना किसी चीज़ को कि हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रो आउट ऑफ, अब ये सिंपल सा, आउट ऑफ गियर मतलब जो बाइक की गियर है आउट ऑफ है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, इतना मतलब है ठीक से कार नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उसको बोलते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर्स। नेक्स्ट टेक टू हिल, टेक टू हिल का क्या मतलब है, आपने किसी बंदी को बुलाया, ठीक है, लेकिन उसने आपने आपने उसको काफ़ी देर वेट कराया, बहुत देर वेट कराया, इसका मतलब टेक टू हील्स, उसकी हील्स पे है ना दर्द करने लगा, इसका मतलब है टू रन अवे, मतलब वो भाग भाग जाना, ये समझ जाओ कि भारी भारी हो जाना, ठीक है, 9-2-11 हो जाना, टेक टू हील्स। थ्रो कोल्ड वाटर, अब बंदा सो रहा है आपने उसको ठंडा पानी डाल दिया, इसका मतलब क्या है, पानी फेरना या सोने में पानी फेर दिया या हतोत्साहित करना, ठीक है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न ओवर ए न्यू लीफ का क्या मतलब है, टू बी एंटायरली चेंज, पूरी तरह से चेंज हो जाना, न्यू लीफ, लीफ का मतलब है जैसे पत्तियाँ से रिलेटेड है, लीफ मतलब पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लीफ का मतलब होता है पत्तियाँ, अब किसी चीज़ की नई पत्तियाँ निकल आना मतलब नई तरह से चेंजमेंट हो जाना, ठीक है, पूरी तरह से बदल जाना। और एक है एटुमन और स्प्रिंग, ठीक है, दो मीनिंग्स यहाँ पे दिए हैं, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत और एटुमन का मतलब होता है पतझड़, ठीक है। टेक समबडी फॉर राइडिंग, इसका क्या मतलब है भाई,
हम किसी बंदे को बुला रहे हैं, चलो यार आज ऐसी जगह घूमने चलते हैं, लेकिन हम उसको लेके गए और उससे बहुत सारा काम करवाया अपने मतलब का। इसका मतलब क्या है? टू डिसीव ए पर्सन, डिसीव का मतलब होता है उसको पर्सन को हमने धोखा दे दिया। टेक अप आर्म, टेक अप का मतलब दो दो हाथ करना हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यही मतलब इंग्लिश में हो गया। टेक अप आर्म करना मतलब लड़ाई करना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, अगला एंड पिछला। थ्रो अप द स्पेंजल, स्पेंजल यही है, थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब सरेंडर कर देना या आत्मसमर्पण कर देना चीज़ों को, उसको बोलते हैं स्पॉन्ज, ठीक है, इसका मतलब हो गया आत्मसमर्पण। तो ये जो टी से स्टार्ट होने वाले इडियम थे आज हमने ख़त्म कर लिए, ठीक है, इसको रिवाइज़ कीजिएगा और कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक कीजिए प्लीज़।